हिडिंबा महाभारत का एक महत्वपूर्ण किरदार रही है, जिसके बारे में हमें महाभारत में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, पर लोक कथाओं और मान्यताओं ने इस किरदार को लोगों के बीच जीवित रख गया है। महाभारत में हमें इस भारत का कोई खास उल्लेख नहीं मिलता कि हिडिंबा का कहां जन्म हुआ या उसकी आने वाली पीढ़ी कहां पाई जाती है, पर बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो अपने आप को किसी तरह हिडिंबा से जोड़कर देखते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर हिडिंबा के वंशज आज कहां पाए जाते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। कहा जाता है कि हिडिंबा नागालैंड की राजकुमारी थी, लेकिन जब वो भीम से अलग हुई तो वो हिमाचल में जाकर बस गई, जहाँ एक गुफा में जाकर उन्होंने कड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने इन्हें यहाँ की ग्राम देवी का दर्जा दिया। नागालैंड का दिमासा समुदाय आज भी हिडिंबा को अपना पूर्वज मानता है, और यहाँ आज भी हिडिंबा के होने के सबूत पाए जाते हैं। कहा जाता है कि नागालैंड में स्थित दीमापुर वो जगह थी जहाँ हिडिंबा और उसका भाई हिडिम रहा करते थे, और यही वो पली बड़ी थी। दीमापुर का नाम यहाँ पाए जाने वाले आनी के सोतो से पड़ा है, क्योंकि दी नागालैंड की स्थानीय भाषा में दी कहलाता है और माँ का मतलब है बड़ा। पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दीमापुर वास्तव में हिडिंबापुर कहलाता था, क्योंकि यहाँ हिडिंबा पैदा हुई थी और पली बड़ी थी। ये भी कहा जाता है कि पांडव लाक्षगृह से बचकर दीमापुर आए थे, जहाँ महाबली भीम ने हिडिंबा का संहार किया था और हिडिंबा से विवाह कर कुछ समय यहाँ पर गुजारा था। हिडिंबा के यहाँ से संबंध का दूसरा सबूत हमें दीमापुर की राजबाड़ी की पहाड़ियों से मिलता है, जहाँ हमें एक प्राचीन स्मारक के अवशेष मिलते हैं, जिन्हें दीमापुर कछारी कहा जाता है। इस जगह पर हमें पत्थरों से बने मशरूम के आकारों के संरचनाएं मिलती है, जिसके बारे में ये मान्यता है कि ये संरचनाएं वास्तव में शतरंज की मोहरे है, जिसे भीम और उनका बेटा घतोत्कच खेला करते थे। ये मोहरे 13वीं सदी तक प्रयोग में लाए जाते रहे, पर उसके बाद अहोम राजाओं के आक्रमण के बाद दीमापुर के इन स्थलों को भुला दिया गया और आज ये खंडर बनकर रह गया। हिडिंबा से जुड़ा तीसरा सबूत हमें यहाँ के राजवंशों से मिलता है। 13वीं सदी से पहले इस जगह पर दीमापुर के कछारी शासक राज करते थे, जो अपना वंश हिडिंबा के बेटे घटोत्कच से जोड़ कर देखते हैं। दीमासा वंश का नाम पहले हिडिंबा वंश था, जो कि हिडिंबा शब्द से निकला है। कहा जाता है कि महाभारत के बाद हिडिंबा तो मनाली की गुफा में तपस्या के लिए चली गई थी, पर घटोत्कच के बेटों ने नागालैंड में राज किया और दीमापुर में आज भी उनके वंशज पाए जा सकते हैं। कई लोग उन्हें आसाम से जुड़ा हुआ भी मानते हैं, क्योंकि 1918 से पहले दीमापुर आसाम का हिस्सा था, और माना जाता है कि आसाम का पुराना नाम कामरूप हिडिंबा का जन्म स्थान था। दीमापुर के अलावा कई और इलाके हैं जहाँ के लोग खुद को हिडिंबा का वंशज मानते हैं। हिमाचल प्रदेश के अलावा हिडिंबा देवी के नाम का मंदिर नेपाल में भी है, जिसे भूतन देवी मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर हेतुआदा नाम की जगह पर स्थित है, जिसके बारे में मान्यता है कि ये शब्द हिडिंबा शब्द से निकला है। इसी तरह गुजरात के समरकांठा में स्थित विजयनगर की पहाड़ियों को वो जगह माना जाता है जहाँ भीम और हिडिंब की लड़ाई हुई थी। इसी तरह एक कहानी के अनुसार घटोत्कच महाभारत के युद्ध से पहले उत्तराखंड की पहाड़ियों में चला गया था और महाभारत के युद्ध के समय वापस आया था। इस तरह अलग अलग समुदाय अपने आप को हिडिंबा और घटोत्कच से जोड़कर देखते हैं। तो कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।